हेलो स्टूडेंट्स, चैनल डाउट एट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर दो बहुपद के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। द्विघात बहुपद, ये एक द्विघात बहुपद है जिसमें एक्स की घात है दो। द्विघात यानी दो घात वाला बहुपद, ये सामान्य द्विघात बहुपद है। सबसे पहले हम करेंगे शून्यक के बारे में। ये शून्यक क्या होता है? शून्यक x का वो मान है जो इसमें रखने पर इस बहुपद को जीरो कर दे, यानी कि इस बहुपद का मान जीरो हो जाए, वो कहलाएगा इसका शून्यक। ये एक द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यक भी दो होंगे। तो हमने मान लिया कि शून्यक है अल्फा और बीटा, ये इसके दो शून्यक हैं। हम निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा जमा बीटा, और ये बराबर होगा घटा बी बटे ए, जहां पर बी है एक्स का गुणांक, बटे ए, ए है यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का गुणांक। तो योग हो जाएगा अल्फा जमा बीटा बराबर घटा बी बटे ए। इसी प्रकार गुणनफल बराबर सी बटा ए, सी है यहां पर स्थिरांक और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमें अगर शून्यक दिए हुए हैं और हमें द्विघात बहुपद बनाना है, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा जब हमें शून्यक दिए हुए हैं, तो उन शून्यकों के सहायता से हम द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वेयर घटा शून्यकों का योग गुणा एक्स जमा शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वेयर घटा शून्यकों का योग गुणा एक्स जमा शून्यकों का गुणनफल, ये है द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद के अंदर दो शून्यक होंगे, तो शून्यकों का जो योग होगा वो होगा घटा बी बटा ए, और उन शून्यकों का गुणनफल होगा वो होगा सी बटा ए, जहाँ पर ए है एक्स स्क्वेयर का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक और सी है स्थिरांक या कॉन्स्टेंट जो यहाँ पर बचेगा लास्ट में, एक दो तीन कोई भी नंबर हो सकता है। और हमें शून्यक दिए हुए हों और हमें द्विघात बहुपद लिखना है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर घटा शून्यकों का योग गुणा एक्स जमा शून्यकों का गुणनफल। नेक्स्ट है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये है विभाजन एल्गोरिथम कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। जैसे उदाहरण लेते हैं, हम 11 को हमने भाग किया 2 से, 2 5 10 1, यहां पर जो 2 है वो 2 है हमारा भाजक, 11 है यहां पर भाज्य, 5 हो जाएगा भागफल और 1 होगा शेषफल। तो यहां पर हम विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे कि भाजक गुणा भागफल, भाजक है 2, 2 गुणा भागफल, भागफल है 5 जमा शेषफल, शेषफल है 1, ये आना चाहिए बराबर 2 गुणा 5 10, 10 और 1 11, 11 क्या था हमारा भाज्य, तो ये बराबर हो जाएगा भाज्य के। तो भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल बराबर होगा भाज्य, ये हमने उदाहरण से इसको सिद्ध किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर घटा 2x घटा 8। शून्यक से मतलब x के वो मान जो इसमें रखने पर इसका मान जीरो कर दे, तब इसको बराबर जीरो लेके चलते हैं और शून्यक निकाल लेते हैं। गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वेयर घटा 2x को हम लिख सकते हैं घटा 4x जमा
दो एक्स घटा 8 बराबर 0। हमने टुकड़े किए गुणनखंड जैसे हम करते थे पीछे, तो वही किया यहाँ पर भी हमने। इस तरह जोड़े बनाएंगे कि जोड़ तो आए घटा के 2x और गुणा आए घटा के 8x की 2, गुणनखंड विधि से। यहाँ पर हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x घटा 4। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x घटा 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आएगा x घटा 4, अंदर बचेगा यहाँ पर x, यहाँ पर जमा 2 बराबर 0। या तो x घटा 4 बराबर 0 होगा या x जमा 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान आएगा 4 और यहाँ से x का मान आ जाएगा घटा 2। तो ये x बराबर 4 और x बराबर घटा 2, ये इसके दो शून्यक होंगे, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक भी 2 ही आएंगे, क्योंकि x की घात है 2, तो शून्यक भी 2 ही होंगे, x बराबर 4 और x बराबर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल दिया हुआ हो। यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद को बढ़ाना है जिसके हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो हमने किया था कि द्विघात बहुपद को बनाने का सूत्र है, एक्स स्क्वेयर घटा शून्यकों का योग गुणा एक्स जमा शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर हमें शून्यकों का योग गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग यानी अल्फा जमा बीटा बराबर है 0। अल्फा बीटा यहाँ पर हमने शून्यक माने हैं। अल्फा जमा बीटा बराबर है 0 और अल्फा गुणा बीटा बराबर है गुणनफल वर्गमूल 5, ये दिया हुआ है। मान रखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वेयर घटा अल्फा जमा बीटा 0 गुणा एक्स जमा शून्यकों की गुणा गुणनफल वर्गमूल 5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर जमा वर्गमूल 5, ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का। अगर हमें शून्यकों का योग दे रखा हो 1 और गुणनफल भी हो 1, या ये कहें कि अल्फा जमा बीटा भी 1 के बराबर हो और अल्फा गुणा बीटा भी 1 के बराबर हो, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? सूत्र हमारे पास ये है, एक्स की 2 घटा शून्यकों का योग 1 गुणा एक्स जमा शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर घटा एक्स जमा 1, यही हमारा द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग है 1 और गुणनफल भी 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें पी एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, ये है यहाँ पर हमारा भाज्य और ये है यहाँ पर भाजक, तो हमें इसको भाग देना है। पी एक्स है एक्स की 3 घटा 3x की 2 जमा 5x घटा 3, ये हमारा भाज्य, पी एक्स है भाज्य और जी एक्स है भाजक। पी एक्स है इसको हम कहेंगे भाज्य, जी एक्स जिससे हम इसको भाग दे रहे हैं ये कहलाएगा भाजक। हमें भागफल और शेषफल निकालना है, तो हम भाज्य को भाग देंगे भाजक से, एक्स की 2 घटा 2 से। सबसे पहले एक्स की घात है 3, यहाँ पर एक्स की घात है 2। एक्स की 2 को किससे गुणा करें कि एक्स की घात 3 हो जाए, एक्स से, इस पूरे को एक्स से गुणा करेंगे। एक्स की 3 घटा 2x, इसके नीचे लिखेंगे घटा 2x, घटाएंगे घटा से जमा, जमा से घटा, ये कट जाएगा, घटा के 3x की 2 जमा 7x। अब उतारेंगे हम 3 को। अब देखिए x की 2 को किससे गुणा करें कि घटा के 3x की 2 हो जाए, तो घटा 3 से, पूरे को घटा 3 से गुणा कर देंगे, घटा 3x की 2 और ये हो जाएगा जमा 6, इसके नीचे लिखेंगे एक्स की 2 के नीचे एक्स की 2 वाले पद आएंगे, एक्स के नीचे एक्स वाले पद आएंगे, फिर घटाएंगे इसको, ये घटा और ये भी
और ये हो जाएगा जमा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7x घटा 3 और घटा 6 घटा 9, तो हमारा जो भागफल है वो हो जाएगा x घटा 3 और शेषफल होगा 7x घटा 9। अब हम विभाजन एल्गोरिथम से चेक कर सकते हैं कि भागफल और शेषफल सही है या गलत है। विभाजन एल्गोरिथम है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। यहाँ पर हमारा जो भाजक है वो है x की 2 घटा 2, क्या करेंगे हम गुणा करेंगे x की 2 घटा 2 गुणा भागफल, भागफल है x घटा 3, इन दोनों की गुणा जमा शेषफल, शेषफल है 7x घटा 9। देखते हैं कि भाज्य के बराबर आता कि नहीं आता, चेक करेंगे इसको। गुणा करेंगे यहाँ से x की गुणा x की 2 के साथ, x की 3 घटा 2x घटा 3 की गुणा घटा 3 x की 2 घटा 3 की गुणा घटा 2 के साथ जमा 6 जमा 7x घटा 9, x की 3 घटा 3 x की 2 7x घटा 2x जमा 5x 6 घटा 9 घटा 3, x की 3 घटा 3 x की 2 जमा 5x घटा 3, और यही है हमारा भाज्य, x की 3 घटा 3 x की 2 जमा 5x घटा 3, ये बराबर है भाज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें सभी शून्य ज्ञात करने हैं जबकि इसके दो शून्य हमें दिए हुए हैं। यहाँ पर x की घात है 4, तो यहाँ पर इसके 4 शून्य होंगे, दो शून्य हमें दिए हुए हैं, बाकी के दो शून्य हमें ज्ञात करने हैं। शून्य हमें दिए हुए हैं 5/3 और घटा 5/3, क्योंकि वर्गमूल 5/3 व माइनस वर्गमूल 5/3 इस बहुपद के क्या है शून्यक, इसलिए x घटा वर्गमूल 5/3 गुणा x जमा वर्गमूल 5/3 ये बराबर होगा a घटा b a जमा b, सूत्र से x का वर्ग घटा 5/3। ये जो हमारे पास आया है ये इस बहुपद का गुणक है, बहुपद का गुणक है, इसके दो शून्य हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि x घटा वर्गमूल 5/3 और x जमा वर्गमूल 5/3, या ये कहें कि x की 2 घटा 5/3 इस बहुपद का एक गुणक होगा। गुणक होता है जो इसको भाग करे, तो गुणक है जिसको भाग करेगा, तब इस बहुपद को हम इससे भाग करेंगे, 3x की 4 जमा 6x की 3 घटा 2x की 2 घटा 10x घटा 5, इसको हम भाग करेंगे x की 2 घटा 5/3 से। सबसे पहले ही यहाँ पर है 3x की 4, यहाँ पर x की 2, इसको हम गुणा करेंगे 3x की 2 से, ताकि 3x की 4 आ जाए, 3x की 2 से दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा 3x की 4, और जब हम घटा 5/3 को गुणा करेंगे 3x की 2 से, घटा 5/3 गुणा 3x की 2, तो ये आएगा घटा 5x की 2, घटा 5x की 2, दोनों को घटाएंगे ये जमा हो जाएगा, ये घटा हो जाएगा, घटाते हैं तो निशान बदल जाते हैं, 6x की 3 जमा 3x की 2, उतारेंगे घटा 10x को, अब यहाँ पर है 6x की 3 यहाँ पर x की 2, इसको गुणा करना पड़ेगा हमें 6x से, जमा
6x गुणा करेंगे ये आएगा 6x की 3, इसको गुणा करेंगे ये आ जाएगा घटा के 10x। जब घटा 5/3 की गुणा करेंगे 6x के साथ तो ये आएगा घटा के 10x, जोड़ें इसको घटाएंगे ये प्लस ये माइनस, 3x की 2 बचेगा यहाँ पर, फिर उतारेंगे हम घटा 5, गुणा करेंगे इसको 3 से, 3 से गुणा करने पर हो जाएगा 3x की 2 घटा 5, घटाएंगे तो ये 0 आएगा, थोड़ा ऊपर भाग चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसको भाग देने पर एक बहुपदी घात बहुपदी आया, इसके गुणनखंड करेंगे, यहाँ से हमारे पास दो और इसके शून्य भी आ जाएंगे, 3x की 2 जमा 6x जमा 3, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड हो जाएंगे 3x की 2 जमा 3x जमा 3x जमा 3, गुणनखंड किया हमने इस तरह से कि जोड़ तो आए 6x और गुणा आए 9x की 2, इन दोनों में कॉमन लेंगे 3x, x जमा 1 यहाँ पर कॉमन आएगा 3x जमा 1, x जमा 1 फिर कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 3x जमा 3। अब ये क्योंकि इसके शून्यक होंगे तो इसको हम बराबर क्या रखेंगे, 0 के, x जमा 1 को बराबर रखते हैं 0 के, तो यहाँ से x का मान आएगा घटा 1, 3x जमा 3 को बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास x का मान आएगा घटा 1। तो इस तरह से हमने दो शून्य के निकाल लिए, दो शून्य हमें दिए हुए थे, बाकी के दो शून्य हो जाएंगे घटा 1 घटा 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x की 3 घटा 3x की 2 जमा x जमा 2 को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x घटा 2 और घटा 2x जमा 4 है तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम से हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, यहां पर हमारा भाज्य है x की 3 घटा 3x की 2 जमा x जमा 2, भाजक है यहां पर जी एक्स जिसे भाग दे रहे हैं, भागफल दिया हुआ है हमें x घटा 2 और शेषफल है -2x जमा 4। तो मान रखेंगे भाज्य x की 3 घटा 3x की 2 जमा x जमा 2 बराबर भाजक, भाजक है जी एक्स जो हमें निकालना है, गुणा भागफल, भागफल दिया हुआ है हमें x घटा 2 जमा शेषफल, शेषफल है -2x जमा 6, हमें निकालना है जी एक्स। इसके लिए हम पहले इसको इधर लेके आएंगे, x की 3 घटा 3x की 2 जमा x जमा 2, इधर आएगा -2x हो जाएगा -2x जमा 4 हो जाएगा -4 बराबर, इधर है जी एक्स गुणा x घटा 2, इसको हल करेंगे x की 3 घटा 3x की 2, 2x जमा x 3x घटा 2 2 घटा 4 घटा 2 बराबर जी एक्स गुणा x घटा 2, हमें निकालना है जी एक्स। तो इसको हम भाग करेंगे किससे, x घटा 2 से, या कह सकते हैं कि यहाँ से जी एक्स बराबर हो जाएगा x की 3 घटा 3x की 2 जमा 3x घटा 2 भाग x घटा 2। अब हम इसको इससे भाग देंगे और फिर हम जी एक्स का मान निकालेंगे, तो आइए इसको भाग करते हैं, x की 3 घटा 3x की 2 जमा 3x घटा 2 भाग करेंगे इसको x घटा 2 से, यहाँ पर x की घात 3 है,
एक्स को किससे गुणा करेंगे, एक्स की घात 3 आई, एक्स की घात 2 से गुणा करेंगे दोनों को, एक्स की घात 3 घटा 2 एक्स की 2 घटाएंगे जमा घटा कट जाएगा, घटा एक्स की 2 बचेगा, 3 एक्स को उतारेंगे, यहां पर एक्स है यहां पर घटा एक्स की 2 है, तो एक्स को हमें गुणा करना पड़ेगा घटा एक्स से, गुणा करेंगे घटा एक्स की 2 जमा 2 एक्स, फिर घटाएंगे इसको, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस 3 एक्स घटा 2 एक्स एक्स, फिर उतारेंगे हम घटा 2 को, एक्स घटा 2 यहां भी एक्स घटा 2 1 पे जाएगा जमा 1 एक्स घटा 2, इसको घटाएंगे तो ये 0 आएगा। तो यहां से हमारे पास जी एक्स का मान आया है एक्स की 2 घटा एक्स जमा 1, और यही हमारा आंसर होगा। बच्चों इस क्वेश्चन में हमने विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमारे पास 4 राशियां हैं, 4 में से हमें 3 दी हुई है, भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ और शेषफल, भाज्य को हमें निकालना है, तो हम सूत्र की सहायता से आराम से निकाल सकते हैं।